लवली पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर और उनके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो कब तक ख़त्म हो सकता है। ओके, कब तक आप दोनों में बीच में बात होगी? ठीक है, आपके पार्टनर आपके इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या ये मिस करते हैं आपको? ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, ये सभी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, जनरल रीडिंग है सभी जोडियक साइन के लिए और टाइमलेस रीडिंग है सभी जेंडर के लिए, हैं सभी इस ग्रुप के लिए हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म करेंगे। ओके, जानने की कोशिश करते हैं हम। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया है। ओके, ऑलराइट, माय गुडनेस, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप लोग पॉजिटिव होने की कोशिश करें। जब आप मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो गया है, मैसेज रिसीव हो गया, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपडेट देते रहा कीजिए आप लोग मेरे को। ओके, ऑलराइट, पर्टिकुलर किसी पर्सन की वजह से आपके थॉट, कभी कभी थर्ड पार्टी का काम ना आपके थॉट्स भी करते हैं, पता है आपको, आपके पार्टनर के थॉट्स भी करते हैं। ज़रूरी नहीं कोई पर्सन कर रहा है थर्ड पार्टी का काम, ओवर थिंकिंग भी कर सकती है यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम, कि आप लोग कुछ भी सोचेंगे या आपके पार्टनर नेगेटिव कुछ भी सोचेंगे, शक वगैरह होगा एक दूसरे के ऊपर। ओके, उस सब की वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है मेरे कार्ड्स के हिसाब से। यहाँ पे सोच आप दोनों की बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, आपने होप छोड़ दिया इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव हो सकता है या नहीं। एफर्ट लेना बंद मत कीजिए बिल्कुल भी, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करते रहिए पॉजिटिव होने की। देखो, नेगेटिव चीज़ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगी। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप सवाल जवाब करने लग जाओ उनसे, बहुत ज़्यादा आप उनसे झगड़ा करने लग जाओ, शांति बनाए रखिएगा। जब आप इस पर्सन का वेट कर ही रहे हो तो इसने अनब्लॉक किया है तो इसके मैसेज आने का भी आप वेट कीजिएगा। ओके, ये पर्सन आगे से आपको कॉल मैसेज भी करेगा, आपसे बात भी करेगा, वापस से प्यार ऑफर भी करेगा। ये बहुत एनर्जी, जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी में आ गए ना, मैं आपको बता रही हूँ बहुत जल्दी आप इस पर्सन से कमिटेड रिलेशनशिप उम्मीद कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और ये पर्सन आपके साथ अच्छी शुरुआत करेगा। अब इस रिलेशनशिप की अगर नेगेटिविटी की बात करूँ तो डेविल एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को शक होगा कि उनके ऊपर ऐसी एनर्जीज यूज़ की गई हैं जिसकी वजह से उनका उनके पार्टनर के बीच में सेपरेशन हुआ है। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कार्ड्स भी डेविल का आया है, और यहाँ पर अच्छा खासे रिश्ते को ख़राब करने के लिए किसी तीसरे इंसान ने, तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, फैमिलीज में से कोई हो सकता है, फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है जिसने ये एनर्जीज यूज़ करवाई है। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है, इमोशनल भी है आपके साथ, मैसेजेस को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, टाइम को साथ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आगे बढ़ गया है तो नहीं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा है, या आपके ही ख्यालों में गुम है और काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहा है। ओके, तो ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है क्योंकि ये फैमिलिन एनर्जी में आ रहा है, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि डिवाइन फैमिलिन जो होती हैं ज़रा इमोशनल होती हैं। अगर आपके पार्टनर मेल भी हैं तो ये पर्सन डिवाइन फैमिलिन की एनर्जी में आ रहा है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में स्टक एनर्जी से निकल रहा है क्योंकि इस रिलेशनशिप में ये एफर्ट्स डालना चाहता है, कोशिश करना चाहता है, पॉजिटिविटी चाहता है। ओके, इस रिश्ते को खोने से और आपको खोने से काफ़ी ज़्यादा डरता है ये पर्सन, इसलिए संभालना चाहता है। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली यहाँ ख़त्म ही होगी। अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड से, इसका मतलब कि ये पर्सन आ रहा है, आपको छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, प्यार ऑफर करेगा, और आप मैंने 444 देखिएगा जब आप ये रीडिंग देखेंगे, और जब टू ऑफ कप्स का कार्ड है तो यह 444 है, रीयूनियन करेगा क्योंकि 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी बहुत प्यारी सी है, प्यार ऑफर करेगा, दोनों एक दूसरे को प्यार ऑफर करेंगे, एक दूसरे का प्यार और साथ और केयर
दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, इज्जत दोगे, रीयूनियन होगा, यहाँ पे रिश्ता ओवरऑल बहुत प्यारा होने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।